बांदा के एक बड़े व्यापारी और जाने माने हस्ती दलपत सिंह, जो कि पूर्व विधायक दलजीत सिंह के भाई भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से इस कहावत को साबित कर दिया कि जाको राके साइयां मार सके न कोई। आपको बता दे कि देर शाम दलपत सिंह निमरता के लिए अतर्रा जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक मोटरसाइकिल और एक घायल नजर आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं और दर्द के कारण कराह रहे हैं। आसपास देखने वाला कोई नहीं है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ी में रखा और जिला अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते युवक को कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया। वही महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दोनों की जान सही सलामत डॉक्टरों ने बताया। अगर इन्हें सही समय पर अस्पताल न लाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। दलपत सिंह ने यह बात साबित कर दिया है कि जब तक एक इंसान के अंदर मानवता है, तब तक इंसानियत जिंदा है। ये क्या नाम है आपका? ये क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? इनका डिंगवाही में रेस्टोरेंट हुआ है सर, और ये पता नहीं किस चीज़ से हुआ है सर, ये हमें जानकारी नहीं। आपको कैसे सूचना मिला? सर हमें विधायक जी के इन्हीं के नंबर से, नहीं विधायक जी ने फ़ोन किया, जो अभी खड़े थे उनने फ़ोन किया था सर। क्या बताया उन्होंने आपको? सर आपके यानी आपके परिवार वाले इनके एक्सीडेंट हो गया सर, हमें नाम बताया, यानी पूनम ने नाम बताया, हम समझ गए कि हमारे साले और भाभी गए हैं अदालत, उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ सर, तुरंत हमारा फ्यूचर आ गया। तो क्या किसी को बाहर रिफर किया गया है कि? सर कानपुर रिफर किया गया है अपने साले बरातीलाल। क्या बरातीलाल को? इनका क्या नाम है? पूनम गुप्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलपत सिंह है। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? मैं निमंत्रण के लिए अतर्रा जा रहा था, डिंगवाही जैसे क्रॉस किया तो मुझे एक बाइक रोड में पड़ी दिखी, मैंने अपनी गाड़ी स्लो की तो देखा कि रोड के किनारे ये एक महिला और एक लड़का पड़ा हुआ है। लड़का सर के बल लेटा था, पीठ ऊपर हिस्सा था उसका और सर नीचे किए हुए था। पहले तो मुझे भी डर लगा कि अनस्पॉट तो नहीं गड़बड़ कर गया, लेकिन जब नजदीक गया तो कंपन शरीर में हो रही थी, बहन हो उसमें थी, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, कराह रही थी। मैंने अपनी गाड़ी वहीं से पैक कराई और गाड़ी में रखा, और रास्ते में जब पूछा तो बताया कि बराती लाल गुप्ता जौरही निवासी हैं और बहन यही कालू कुआं में आई है। क्या उनको ज्यादा चोटें आई? पूनम बताया गया। अच्छा अच्छा, क्या ज्यादा चोटें आई हैं क्या? हाँ, लड़के के ज्यादा चोट आई है, बराती लाल गुप्ता के सर में ज्यादा चोट है, यहाँ से रिफर कर दिया गया है कानपुर के लिए। अच्छा, बहन भी क्लियर स्थिति नहीं बता पा रही कि एक्सीडेंट कैसे हुआ।